हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के यूज सभी लोग हम लोग जानते हैं। हर फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, घरों में, फैक्ट्रीज में, मतलब एवरीथिंग अराउंड अस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी आपका घर का भी काम है, सारे अप्लायंस इलेक्ट्रिसिटी से ही बेस्ड होते हैं। चाहे आपके मिक्सी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना कि हम लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते इन टूडेज लाइफ। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आता है चार्जेस के टाइप्स। ये हमें सभी को पता है कि चार्जेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मैटर में दो थ्री पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, तो प्रोटॉन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक, तो हमारे टू टाइप के चार्जेस हो गए, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक, ये दो टाइप के चार्ज होते हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, निगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। यानी कि अगर प्लस और निगेटिव चार्ज है तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर सेम चार्ज है, प्लस प्लस है, वाई प्लस क्यू है और प्लस क्यू, दोनों पॉजिटिव है, तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन, यानी कि दोनों एक दूसरे से अगेंस्ट होंगे। ठीक, निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इनमें रिपल्शन फोर्स लगेगा। ठीक, तो सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, और अगर हमारे चार्ज अपोजिट है तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। अब आपका आता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है, कूलॉम। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, COLOUMB, ये होता है कूलॉम। डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। जो हमारा वन कूलॉम है, चार्ज की जो वैल्यू है वन कूलॉम, वो होता क्या है। एक्चुअली ये चार्ज की क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज डिनोटेड बाय कूलॉम, कितना है कि ये अगर इससे कोई एक चार्ज है, कोई मान लीजिए क्यू चार्ज है। ठीक, तो इससे अगर एक मीटर की दूरी पर कोई दूसरा चार्ज रखा है, सेम है, यानी कि उसकी भी क्वांटिटी कितनी है, सेम है, जितना इस चार्ज की वैल्यू है उतना ही चार्ज वन मीटर की डिस्टेंस पे रखा है, तो ये इस पर कितना फोर्स लगाता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का। ठीक, तो अमाउंट ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स ऑन इक्वली चार्ज, जितना चार्ज इसमें है उतना ही चार्ज इसमें है, प्लेस्ड एट वन मीटर, वन मीटर की डिस्टेंस पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पे वो कितना फोर्स लगा रहा है, 9 × 10⁹ न्यूटन का, तो उस चार्ज की वैल्यू होती है वन कूलम। ठीक, तो ये हो गया हमारा वन कूलम की वैल्यू, जो कि सेम चार्ज पर, जो कि वन मीटर की डिस्टेंस पर है, उस पर 9 × 10⁹ का फोर्स लगाएगा। अब हमारे जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटोन में, तो इस पे कितना, प्रोटॉन पे जो हमारा चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम का, यानी कि ये 1 कूलॉम का बहुत ही ज्यादा स्मॉल पार्ट हो गया ना, 1 कूलॉम बड़ा है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम का चार्ज होता है हमारा प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे भी यही होता है, लेकिन निगेटिव में होगा। ठीक, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। ठीक, तो ये हमारा प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, इलेक्ट्रॉन पर है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। अब अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि वन कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है हमारा, 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि
इलेक्ट्रॉन में, वन इलेक्ट्रॉन में चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। चार्ज किसमें है? एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, तो वन कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 1/1.6 × 10⁻¹⁹ तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना आ जाएगा, आप इसको ऊपर ले जाए 10⁻¹⁹ अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 10 ले लिया और ये 18 कर दिया अपॉन 1.6, ये पॉइंट ये है, ठीक। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁹। तो इट मीन्स वन कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6.25 × 10⁻¹⁹, यानी कि वन कूलम आपकी काफी बड़ी वैल्यू, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम एक साथ कलेक्ट करते हैं तब वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन कूलम के इक्वल, ठीक। अब आपके आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, दैट आर कंडक्टर्स। तो दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज कैन फ्लो आर कंडक्टर, और जो हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। जो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है वो सब्सटेंस हमारे क्या हो जाएंगे, कंडक्टर्स, लेकिन जो फ्लो चार्ज का है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो जो मेटल्स है हमारे, जैसे आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं आपके, जैसे नाइक्रोम, मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटन, ये इलेक्ट्रिक एम्पियंसेस में ये जो हीटिंग पार्ट्स बनाए जाते हैं वो किससे बने होते हैं, हीटिंग एलिमेंट आपके मेटलॉइड से, तो ये कंडक्टर होते हैं लेकिन लेस कंडक्टर होते हैं। कार्बन का जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट फॉर्म है, वो क्या होता है, वो भी आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ठीक। इंसुलेटर, तो दो सब्सटेंस विच डोंट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, वो क्या होते हैं आपके इंसुलेटर। जब हमारे घरों में वायरिंग होती है तो उसमें क्या होता है, ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग होती है क्योंकि वो इंसुलेटिंग का काम करते हैं, और अंदर हमारे कॉपर वायर होते हैं जो कि कंडक्टर का काम करते हैं, ठीक। तो आपके इंसुलेटर क्या हो गए, ऐसे ग्लास है, एबोनाइट है, रबर, पेपर, ड्राई वुड, ड्राई एयर, अगर वेट वुड होगी तो वो करंट पास आउट कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्या होगा, वाटर, वाटर आपको पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो ड्राई वुड, ड्राई एयर, ठीक। आप कोई भी सब्सटेंस हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता कैसे है, मतलब ऐसा क्या डिफरेंस होता है कंडक्टर और इंसुलेटर्स में, कि कंडक्टर हमारे इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं और इंसुलेटर नहीं होते, तो इसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि सभी जानते हैं कि सब्सटेंसेस में एटम्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिट्स में मूव करते थे, तो जो हमारा न्यूक्लियस का पॉजिटिव प्लस चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक। जैसे ये हो गया, ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन है प्लस चार्ज, ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कुछ जो इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर साइड जो आउटर ऑर्बिट में होंगे वो क्या होंगे, लूजली अट्रैक्ट होंगे, तो इतनी ज्यादा उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर सकते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इनके इतनी एबिलिटी होती है कि मूव कर सके, तो जो चार्ज का फ्लो है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, ठीक। तो दो सब्सटेंसेस जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे वो क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे, उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स अ सब्सटेंस कंडक्टर। तो कंडक्टर हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारी टू टाइप की होती है, स्टैटिक एंड करंट।
स्टैटिक में क्या होता, कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसमें चार्ज सिर्फ स्टेशनरी फेज में प्रेजेंट होगा, मूविंग फेज में नहीं होगा। अब अगर वो चार्ज मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे चार्ज मूव होने लगे, तब वो हमारी क्या हो जाएगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जैसे हमारा एबोनाइट हमने रब किया सिल्क क्लॉथ में, या कॉम हमने ड्राई हेयर में रब किया, तो उसमें क्या होता है, कुछ चार्ज आ जाता है, तो वो स्टेशनरी चार्ज है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यानी कि उसमें स्टेशनरी फेज में कुछ चार्जेस आ गए जो कि स्मॉल पार्टिकल्स जो पेपर के होते हैं वो अट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो हो गया हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब आपके बादल वगैरह भी बिजली चमकती है तो वो भी हमारी क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जो हमारे घरों में है, जो वायर में थ्रू फ्लो होती है, तो दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमें अपने सिलेबस में अभी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ना है आगे। अब आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक, कोई भी चार्ज है, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास एक तरह का उसके इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ये मान लीजिए एक चार्ज, ठीक, तो इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। यानी कि अगर इसके आसपास कोई चार्ज है, आ रहा है, तो उस पर क्या लगाएगा, ये अगर सेम चार्ज का होगा, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ही आ रहा है, तो क्या होगा, ये एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा। अगर निगेटिव वाला आ रहा है तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो ये जो फील्ड है जिसमें इसका ये फोर्स काम कर रहा है, तो वो इस चार्ज की क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज ले जाएंगे, इनफाइनाइट से कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास ले जा रहे हैं, तो अब ये सेम चार्ज हम ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर निगेटिव होता तो अट्रैक्शन फोर्स होता, वर्क करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम सेम चार्ज ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स है, उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। तो जो ये वर्क करना पड़ रहा है हमें इनफाइनाइट से, इस चार्ज को पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है उसको वहां तक ले जाने में, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ले जाने में, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। यूनिट हमारी क्या होती है इसकी, वोल्ट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक, इस पॉइंट तक लाने में, यानी कि जो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है उस पॉइंट तक लाने में, यहां तक मान लीजिए ला रहे हैं हम इनफाइनिट से, तो जो हमें काम करना पड़ रहा है इसके रिपल्सन फोर्स अगेन, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम वी से डिनोट करते हैं, यूनिट हमारी है वोल्ट। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हमने क्या किया था कि हमने चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आए थे। अब अगर हमारे चार्ज, दो चार्ज हैं यहाँ पर, ठीक, तो अब हमें बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें दो पॉइंट्स है, ठीक, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, इसमें हमें किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ रहा है, वो हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए हमें 1 कूलाम चार्ज को मूव करना पड़ रहा है और 1 जूल हमें वर्क करना पड़ रहा है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी वी से डिनोट करेंगे, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है आपका, वर्क डन, क्यू क्या है आपका, चार्ज। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वर्क डन हमें मान लीजिए 1 जूल करना पड़ रहा है और चार्ज कितना है, 1 कूलाम। 1 कूलाम चार्ज को हमें 1 पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है, 1 जूल। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 जूल कूलाम इनवर्स। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस को हमें
किससे मेजर करना है? वोल्ट मीटर से हम लोग मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है आपका, ये है सर्किट, ठीक, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। अब ये सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो हमें इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक, ये ऐसे रीडिंग होती है ऐसे, ठीक, वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। तो ये पॉइंट जो होगा ये हमें क्या बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, ये हो गया वोल्ट मीटर, ठीक। तो ये हमारा सर्किट है और ये वोल्ट मीटर हम पैरेलल इसमें क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। सर्किट, जिस सर्किट में ये दो पॉइंट के बीच हमें वोल्टेज या वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके पैरेलल हमने क्या अटैच कर दिया, इसके दो पॉइंट के बीच वोल्ट मीटर, ठीक। लेकिन ये वोल्ट मीटर में क्या होगा, अब जैसे करंट यहाँ आ रही है तो इधर भी जा सकती है, लेकिन क्या होता है, हमारा जो वोल्ट मीटर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। सो इसमें जो हमारी करंट है वो कैसी होती है, नेग्लिजिबल, ठीक। तो इसमें हमारी करंट नेग्लिजिबल होगी और हमें जब करंट इसमें फ्लो होगी सर्किट में एबी में, तब हमें इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वोल्ट मीटर रीडिंग हमें बता देगी, ठीक। अब अगर मान लीजिए आपका ऐसे सम आ जाता है, मान लीजिए आपका चार्ज है, कूलाम है, चार्ज दिया है 2 कूलाम, ठीक, 2 कूलाम चार्ज है, और इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम ले जा रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, 20 वोल्ट का, 20 जूल, ठीक, 20 जूल का हमें वर्क डन करना पड़ा। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला रख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज की जो वैल्यू है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या जाएगा, वर्क डन हमारा क्या है 20 जूल, कूलाम क्या है हमारा, चार्ज क्या है 2 कूलाम, तो आपका आ गया 10 जूल कूलाम इन वर्क। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 10 जूल कूलाम इन वर्क, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही बेसिक था, कल से हम आगे के मेन टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक स्किप ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा चैप्टर ही कवर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।